हाय दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी हरी सब्जियाँ। इसके लिए हम सबसे पहले मटर लेते हैं, गोभी लेते हैं और थोड़े से हम बैंगन ले लेते हैं। इन सबको तेल में अलग अलग फ्राई कर लेते हैं। थोड़े से मसाले लेते हैं, हमने जीरा मिर्च लिया है, लहसुन अदरक लिया है और थोड़े से गरम मसाले हैं, लाल मिर्च है, आमचूर है। इन सबको मिक्सचर में डाल के पीस लेते हैं। हमने तेल गरम कर लिया है, अब इसमें हम हरी सब्जियों को डाल के फ्राई कर लेते हैं। इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं, हम तेल डालते हैं और प्याज को फ्राई कर लेते हैं और मसालों को उसमें ऐड कर लेते हैं। हम मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं। इसमें हम नमक डाल देते हैं, नमक और मिर्च स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले हमारे भुन गए, सबसे पहले हम इसमें बैंगन डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से बैंगन को हम गला लेते हैं। थोड़ा सा बैंगन हमारे हल्के से गल गए हैं, अब इसे पानी डाल देते हैं और उसमें मटर डाल देते हैं इसमें, और उसके बाद हम इसमें गोभी ऐड कर लेते हैं। इन सबको अच्छे से हम तेज़ आँच पर पका लेते हैं हम 2 मिनट के लिए। सारी हरी सब्जियों को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी सब्जियाँ बनेंगी। अभी हम 1 कप पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम तेज़ आंच पे पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद इसको धीमी आंच पे ढक करके पकने देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी हमारी सब्जियाँ बनी हैं, हरी सब्जियाँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो गई है हमारी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। बाय दोस्तों।